सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अमनजन सागर मध्य प्रदेश से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं शाकाहार के प्रति जागरूकता की। तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। हमारे कुलवे के बहुत बड़े कवि आदरणीय भैया सौरभ जैन सुमन जी की ये कविता है, उन्होंने इस कविता को रचा है। तो मैं शाकाहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए कुछ छोटा सा प्रयास जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, सुनेगा। कि गर्वत भारत भूमि को के महावीर की माता हूँ, गर्वत भारत भूमि को के महावीर की माता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाता हूँ। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक कुमखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वे मांस पशु के ढेरों में। भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने जीवन में कभी मांसाहार को छुआ तक नहीं, छुआ क्या देखा तक नहीं। उनको क्या प्रिय था, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि चाहते तो खा सकते थे वे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के झूठे बेरों में। माखन चोर मुरारी थे, चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे वो चक्र सुदर्शन धारी थे। मुरली को वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे, मुरली को वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। करते हो तुम बातें कैसे मस्जिद मंदिर राम की, करते हो तुम बातें कैसे मस्जिद मंदिर राम की। खूनी बनकर लाज लूट ली पैगंबर पैगाम की, खूनी बनकर लाज लूट ली पैगंबर पैबान की। कि परसेवा पर प्रेम का परचम, परसेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर उसका मान बढ़ाया था, निर्धन की कुटिया में जाकर उसका मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे वे मानवता विस्तार के। नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कविता कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।